क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन डी 100। इसका आंसर है ऑप्शन सी 97। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का संविधान देश को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन ए राजमंडल, ऑप्शन बी राज्य संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी महासंघ। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत की जनता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत की जनता। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूएसए। इसका आंसर है ऑप्शन डी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी तथा पथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन ए 16वें संशोधन में, ऑप्शन बी 17वें संशोधन में, ऑप्शन सी 42वें संशोधन में, ऑप्शन डी 44वें संशोधन में। इसका आंसर है ऑप्शन सी 42वें संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 71, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है।
ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी जनता। इसका आंसर है ऑप्शन डी जनता। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए सरकार का संसदीय रूप, ऑप्शन बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सरकार की अध्यक्षात्मक रूप, ऑप्शन डी संघीय सरकार। इसका आंसर है ऑप्शन सी सरकार की अध्यक्षात्मक रूप। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है, ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी संविधान में कहीं नहीं, ऑप्शन डी प्रस्तावना। इसका आंसर है ऑप्शन सी संविधान में कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला एक संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन डी संघीय राज्य। इसका आंसर है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान कैसा है, ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी अर्थसंघीय या संघीवत, ऑप्शन सी एकात्मक, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन प्रणाली। इसका आंसर है ऑप्शन बी अर्थसंघीय या संघीवत। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, ऑप्शन ए सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन सी जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, ऑप्शन डी सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, ऑप्शन ए एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, ऑप्शन बी धर्म विरोधी राज्य, ऑप्शन सी धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, ऑप्शन डी सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। इसका आंसर है सी धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 1। इसका आंसर है
ऑप्शन ए प्रस्तावना।